शाहरुख खान की फिल्म पठान जनवरी 2023 में रिलीज हो रही है, लेकिन कुछ दिन पहले इसका गाना बेशर्म रंग जारी होने के बाद से फिल्म विवादों में आ गई है। फिल्म का विरोध करने वाले इसमें हीरोइन के द्वारा पहने गए कपड़ों को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। अब ये विरोध की आंच सागर तक भी पहुंच गई है। राजघाट रोड स्थित किशोर न्यायालय के सामने बच्चों और महिलाओं ने आने वाली फिल्म पठान का विरोध करते हुए पुतला दहन किया है। महिलाओं ने कहा कि बॉलीवुड में इस तरह की अश्लीलता और फूहड़ता भरी जो फिल्में बन रही हैं, उन सब का विरोध करते हैं। ऐसी फिल्में परिवार के साथ बैठकर देखने लायक नहीं है और बॉलीवुड ऐसा लगता है कि जैसे भारत में नहीं विदेशों में ये फिल्में बना रहा है, जबकि पहले की फिल्में ऐसी हुआ करती थीं कि उनमें भारतीय संस्कृति संस्कार दिखाए जाते थे। आने वाली पीढ़ी इन सबको देख कर अपना भविष्य निर्धारित करती थी और इन हीरो हीरोइनों को अपना रोल मॉडल भी मानकर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आज के समय में इन्हें अपना रोल मॉडल मानकर युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और इन जैसों के बनने के चक्कर में जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ऐसी फिल्मों का राष्ट्रीय महिला परिषद और राष्ट्रीय ओजस्विनी परिषद पूरी तरह से विरोध करता है। साथ ही ये अपील भी है कि इन फिल्मों को सिनेमा घरों में ना लगाया जाए।